शालीमार अस्पताल में इलाज के बाद मरीज की हुई मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर्स और अस्पताल पर गलत इलाज करने का आरोप। दो माह पूर्व पित्त की पथरी का इलाज कराने के लिए शालीमार अस्पताल लाया गया था 60 वर्षीय अहमद मियां। इलाज के बाद लगातार बिगड़ रही थी मरीज की हालत। मरीज की मौत के बाद जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं मृतक के परिजन। चौराहे पर मृतक की लाश को रख कर रहे हैं नारेबाजी। मुगलपुरा थाना पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं मृतक के परिजन। डिप्टी CMO संजीव बेलवाल पर भी मृतक के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। भारी फोर्स को मौके पर बुलाया गया। मुगलपुरा थाना क्षेत्र के शालीमार अस्पताल की घटना। ये मेरे भाई हैं अहमद मियां। 2.5 महीने से 21 अगस्त से हर अधिकारी का चक्कर लगा रही हूँ, कुलदीप सिंह बेलवाल और क्या नाम है CMO बेलवाल जी, कुलदीप सिंह। आज परसों भी उनसे बात हुई है, हर रिपोर्ट दे दी, सारे पेपर पूरी फाइल बना के दी थी कि CBT कट हुई है, सर एक्शन लीजिए। DM साहब के पास गया, SSP साहब के गया, हर अधिकारी के 9 अक्टूबर से चक्कर लगा रहा हूँ। 9 अक्टूबर से कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इसका भाई है वकील, उसने हर दरवाजा बंद कर दिया, मेरे घर का हर दरवाजा बंद कर दिया था। आपके भाई को क्या हुआ? इनकी CBT कट कर दी, इनकी बस से बदतर हालत हो गई। जितना हमसे हो सका इनका इलाज कराया। आज ये डॉक्टर मुदस्सिर जी कह रहा था 2.5 लाख ले लो, 3 लाख ले दो, 3.5 लाख ले लो। मैंने इससे कहा कि मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, मेरे भाई का इलाज करा दे। बोला इलाज के लिए पैसे नहीं है। आज कल समझ लो 1:30 बजे से 2 बजे तक बहस चली मुदस्सिर से, ये नहीं माना। मैंने देख मेरे भाई की कंडीशन ठीक नहीं है।